तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सब ठीक होंगे। फिर आपका भाई, आपका दोस्त हाजिर है जग नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, बड़े दुख के साथ मैं आज ये ब्लॉग बना रहा हूँ। मुझे यूट्यूब पर तकरीबन 1.5 साल काम करते हुए हो गए हैं, और 2017 से मेरा चैनल था, जिससे कि मैं उसी पर निर्भर हो गया और मैं बड़ी मेहनत करने लगा यार यूट्यूब पर। और मेहनत करते करते मैं चैनल को इस मुकाम तक ले आया हूँ, लेकिन मुझको उस तरह से कोई फल नहीं मिला, ना कोई रिजल्ट मिला जिस तरह से मैंने मेहनत किया। तो अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर निर्भर हो जाए और उसी पर वो कार्य करते रहे और मेहनत करता रहे, अगर उसे सफलता हाथ ना लगे तो बहुत दुख होती है। और यार, मेरे घर वाले हैं, उनके भाई भाई हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत लोग मुझे उल्टा सीधा कमेंट करते रहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, दिन भर घूमते रहते हो, ये करते रहते हो, दो पैसा कमाओ, ऐसा करो। लेकिन किसी ने मेरे सपने के बारे में नहीं पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि रोना आ रहा है यार, बहुत टूट चुका हूँ अंदर से, बहुत दुख के साथ आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि उनको मेरी बात समझ में आएगी जो इस दौर से गुजर रहे हैं और जिनके घर परिवार वाले उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं और ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं, जिनका सपना कुछ और करने को होगा लेकिन वो कुछ और करने को कह रहे हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि आप 12 घंटा का ड्यूटी करिए महीने में, तो आपको कितना मिलेगा? एक महीने आपको बहुत मिलेगा 12,000 से 10,000। अगर आप यहाँ फैजाबाद में सब काम करते हैं तो बहुत आपको मिलेगा 8 से 9 हज़ार, और दिल्ली में आप काम करते हैं 12 से 13 हज़ार। तो उसमें क्या होगा यार, महंगाई इस तरह, उसमें क्या होगा? सपना मेरा वो नहीं है कि मैं जाऊँ उस तरह में काम करूँ 12-12 घंटे, उससे मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मेरा सपना तो टूट जाएगा, लेकिन वो कोई समझने वाला नहीं है। अगर वही सब समझ जाएँ तो मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। और मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, इसी दुख को लेकर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत अंदर से टूट के चुका था यार, और ये वीडियो बहुत बनाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर किसी चीज़ आप मेहनत करते रहो और अगर आप उसी पर निर्भर हो जाओ, अगर आपको वो रिजल्ट ना मिले तो बहुत दुख होता है मेरे भाई साहब, बहुत दुख होता है जो इस दौर से गुजर रहे होंगे। और एक बात और, अगर किसी के पीछे पूरा जमाना पड़ जाए, जैसे कि अगर समाज और घर परिवार, रिश्तेदार, अगर सब लगातार उसका मज़ा लेने लगें और टॉर्चर करने लगें, अगर उसका कोई सपोर्ट ना करे ना भाई, तो उसके दिल से पूछो कि वो किस तरह, किस हालात से गुजरता हो, किस तरह गुजरता है। और मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो उनको भी दिखाना, उन पेरेंट्स को दिखाना जो अपने बच्चों को इस तरह परेशान करते रहते हैं और टॉर्चर करते रहते हैं, और उन्हें से कभी नहीं पूछते कि तुम्हारा क्या करने का मन है, क्या करने का मन नहीं है, सिर्फ बस उनका लड़का क्या कर रहा है, उनका लड़का क्या कर रहा है। आधा सपना तो इसी तरह सबका टूट जाता है, क्योंकि उनके माँ बाप इस तरह मिल जाते हैं। और फाइनली मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, अगर तुम लोग वीडियो दिखाना ज़रूर, मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को कहीं पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, या कुछ भी करा रहे हैं, या कोई भी चीज़ करवा रहे हैं, तो कभी भी अपनी गरीबी के बारे में उनको कभी मत बताना, क्योंकि अगर वो समझदार होगा, ठीक है, अगर वो समझदार होगा तो उसी वक्त सब कुछ छोड़ देगा, और अगर वो समझदार नहीं होगा तो तुम चाहे गरीब हो, चाहे तुम कुछ भी हो, वो तुम्हारा पैसा बेफजूल उड़ाएगा। तो कभी भी इस चीज़ का एहसास मत होने दो कि मैं ये, मेरे पास ये नहीं है, आज मुझे ये चीज़ परेशानी आ गई, मुझे उस चीज़ की परेशानी आ गई, कभी नहीं। बस इतना कहो, तुम बेटा पढ़ो, तुम्हें जो समझ में आता है तुम करो, मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट करूँगा, फिर देखो रिजल्ट किस तरह आता है, किस तरह नहीं। तो बहुत
परेशान हो चुका था, अंदर से मैं टूट चुका था, और YouTube को ही मैं अपना सब कुछ मान लिया था, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मैंने सब कुछ मान लिया था कि जब जो कुछ होगा इन्हीं के हाथों होगा, जो कुछ करेंगे यही करेंगे, क्योंकि इन्हीं का सहारा है, इन्हीं का सब कुछ है, अगर यही साथ छोड़ देंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो और आधा उन लोगों के लिए वीडियो जो उल्टा सीधा कमेंट करते रहते हैं, कभी मेरे स्थान पर आकर देखो, मेरे जैसा होकर देखो, तब समझ में आएगा कि मजबूरी क्या होती है और गरीबी क्या होती है, या कुछ भी कह लो क्या होता है। क्योंकि कैमरा लेकर ब्लॉगिंग बनाना और कैमरा पकड़ के करना, ब्लॉगिंग करना और शूट करना सबकी बस की बात नहीं है। कमेंट करना बहुत आसान है, जैसे कि एक घर है उसको बनाने में तो कई दिन लगते हैं लेकिन उसे तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो ऐसे भी उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ। तो YouTube परिवार से और मेरे सब्सक्राइबरों से सबसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा फुल सपोर्ट करिए यार, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ टोटल सहते सहते। कहते हैं YouTube कुछ नहीं है, YouTube से कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्हें कौन बताए कि YouTube क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो कोशिश करिए कि फुल सपोर्ट करिए अपने भाई का, और जो जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका मुँह में मैं बंद कितनी आसानी से कर सकूँ, तो मैं बता सकूँ कि YouTube क्या है और क्या नहीं है। मैं फालतू नहीं घूम रहा था, मैं भी सोचता रहता हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में, हर एक चीज़ सोचता रहता हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। YouTube मेरा पैसन था और मैंने इसे अपना घर परिवार सब समझ लिया है, और मैं इसी पर निर्भर हूँ, और मुझे उम्मीद नहीं आशा है कि घर परिवार में अगर कोई दुखी रहता है तो उसे कोई दुखी नहीं रहने देता है। वैसे ही YouTube है, मुझे पूरा विश्वास है इसके ऊपर, मुझे कभी दुखी नहीं होगा, नहीं करेगा, और मेरा उनके भी ऊपर विश्वास है जो मुझे खुद सपोर्ट करते हैं और जो मुझे इतना प्यार देते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं। देखो मैं सही बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना अंदर से टूट गया हूँ। और सबके पास देखते होंगे जहाँ से अपने वीडियो शूट करते होंगे, अच्छा अच्छा स्टूडियो रहता है, सब रहता है, अच्छी व्यवस्था रहती है, लेकिन जब जब मुझे अपनी वीडियो बनानी रहती है या कोई स्क्रिप्ट लिखना रहता है कि मुझे वीडियो आज किस दौर पर बनानी है और किस तरह बनानी है और क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, तो मैं यहीं पर ही चला आता हूं और अपनी वीडियो यहीं पर शूट करता हूं। और अब देखिए मेरा अभी चोट जो लगा था पैर में अभी ठीक नहीं हुआ है अच्छी तरह से, और किस वक्त से मैं गुजर रहा हूं, और वो सिर्फ मुझे ही पता है। तो मुझे इस वीडियो का बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि उन फैमिली से, उन माता पिता से और उन गवां रिश्तेदारों से विनम्र निवेदन है कि कभी भी उल्टा सीधा किसी के ऊपर कमेंट करने से पहले उससे पूछा करिए कि तुम्हारा क्या करने का मन है, तुम्हारा क्या करने का मन नहीं है, ठीक है। और आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि कोई अपना नहीं देखता है कि मैं किस दौर से गुजरा हूँ और किस दौर से नहीं गुजरा हूँ, किस दौर से गुजर रहा हूँ। चाहे उनके घर में खाने को नहीं होता होगा लेकिन दूसरे को ऊपर कमेंट करना पहुँच जाते हैं, तो मैं ऐसे चूतिया लोगों का बात पर ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। और मैं हाँ, अगर मेरे रिश्तेदार देखेंगे और मुझे अपना कोई देखेगा तो एक चीज़ और, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, जिसको जो मेरा उखाड़ना रहेगा मैं उखाड़ दूँगा, और ऐसे ही मैं मेहनत करता रहूँगा जब तक मेरा YouTube का सपोर्ट रहेगा, मेरे सब्सक्राइबरों का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि मैं अब तुम लोगों को नहीं, मैं YouTube को और अपने सब्सक्राइबरों को अपना परिवार, अपना भाई, अपना बहन सब कुछ मान चुका हूँ। और अगर इतनी बड़ी फैमिली है और इतना बड़ा परिवार है तो मैं अब टूटा नहीं हूँ और न टूटूंगा, यहीं सबके बदौलत से मैं आगे बढ़ूंगा। तो यार खुद सपोर्ट करिए और अपने भाई को इसी तरह प्यार दीजिए कि आपका भाई अच्छे से अच्छे मेहनत कर सके और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके। तो यही था आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद, ठीक है भाई। मैं सिर्फ कभी भी अपना दुख के सामने व्यक्त नहीं करता, प्रकट नहीं करता हूँ, सारे दुख दर्द सब झेल लेता हूँ अंदर ही अंदर बात रख कर। तो ठीक है, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ उसकी मोटिवेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलता हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।